जो लोग बोलते हैं कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग देख लो यहाँ पर प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर जितनी भर्तियाँ निकली हैं रेलवे में, देखिए RCT रांची में और अमरावती में, नागपुर में, दिल्ली में। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटरव्यू ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द सफाई वाला, नोटिफिकेशन ऑफ फिलिंग द EX कार्ड पोस्ट इन द RTC रांची बेंच नागपुर, नोटिफिकेशन ऑफ द डेटेड यहाँ पर दोस्तों RCT MVT DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि कहीं एक पेपर में, न्यूज़ में। ये संविदा पर जो भर्ती है ना, ये रेलवे की ये प्रक्रिया शुरू है, आज नहीं बहुत दिनों शुरू है और ये प्रक्रिया चल भी रही थी। दोस्तों अभी तक मैं यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ RCT.IndianRail.gov.in पर। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट टाइप के वैकेंसी आती है उन सभी भर्तियों को निकाली जाती है और यहाँ पर निकाला गया है। तो आपके सामने मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूँ कि आप लोग देख लो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, नोटिफिकेशन निकाली गई है, वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे भी पोस्ट है, ऊपर भी है, और रेलवे क्लेम टर्मिनल नॉन गेजेटेड पोस्ट। इसको दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे, आउटसोर्सिंग ऑफ द स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट वैकेंसीज कैसे आएंगी, लाखों लाख अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट सारी भर्तियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10,000 में, 12,000 में जॉब करने के लिए निकाल रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाएगी, यहाँ पर आपको 40,000 की जगह पर आपको 10,000 देगी और आप उतना ही काम करेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट आम जनता के साथ, जो तैयारी करने वाले पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ गलत कर रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट्स करके बताना, ठीक है। ये देखिए सारी भर्तियाँ, एक नहीं, आप नीचे जाइए, नीचे इतनी सारी भर्ती, सब कुछ देखिए किस पर है, आउटसोर्सिंग। एक वर्ड पढ़िए यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है, एक शब्द पढ़िए आउटसोर्सिंग, ये देखिए लिखा है ना आउटसोर्सिंग, किसी भी जाइए आउटसोर्सिंग, सारे भर्तियों में आउटसोर्सिंग, मतलब कि संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है। और ये इतने सारे पद निकाले गए हैं देखिए, ठीक है। अभी इसके आगे एग्जिट करेंगे, रिलेट करेंगे और निकलेगा, बहुत सारी भर्तियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही सब कारण दोस्तों कि भर्तियों का जो है खात्मा हो रहा है और देखने को नहीं मिल रहा है। ALP की 5,000 पोस्ट आती है, जो कि एक समय था कि 25,000, 40,000, 50,000 पोस्ट आया करती थी। अभी जो है दोस्तों आप देखेंगे कि बिल्कुल पूरी तरह से वैकेंसीज ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आखिर दोस्तों सब क्या ऐसा क्यों सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दोस्तों वोट बैंक आप लोग इसका सही इस्तेमाल करें, सही पार्टी को वोट करें जिस पार्टी से आपको बेनिफिट हो रहा है।